चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने और ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है कुछ चीजें समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था फॉलोइंग बियरिंग, ये सब बियरिंग है, एंगल जिसको बोला जाता है, वर ऑब्जर्व इन ए क्लोज ट्रावर्स ए बी सी डी ए, ठीक है, ए बी सी डी ए इस तरीके का क्लोज ट्रावर्स है और उसकी रीडिंग हमने लिया जो कि फॉर्म में लिया है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। कई सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर फोर बियरिंग दिया हो तो कैसे क्या करेंगे, तो वो किसके लिए कहता है, जब सिर्फ इंक्लूडेड एंगल फाइंड करना हो तभी ये क्वेश्चन बोलेगा। अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि करेक्ट द बियरिंग फॉर लोकल अट्रैक्शन, जब ये करेक्ट करने के बोले, लोकल अट्रैक्शन मतलब होता है एरर, इसमें कोई ना कोई एरर आया है जिसको बोल रहा है कि करेक्ट करो, ये लोकल अट्रैक्शन के लिए इसको करेक्ट करो, और करेक्ट करने के बाद बोल रहा है एंड कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल। जब भी इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना हो ना तो कोई एक भी दिया रहे तो चल जाएगा, हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जब करेक्ट करने की बात करें तो दोनों ही दिया होना चाहिए तभी हम करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, ये फोर बियरिंग दिया है बैक बियरिंग दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर लोकल अट्रैक्शन आया है जिसको हम बोलते हैं एरर, उस एरर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, निकाल देना है, और इसको क्या कर देना है, करेक्ट कर देना है। और ये कैसे पता चलेगा कि इसमें एरर है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग है इसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंस, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इन सब को हमें लिखना पड़ेगा, और डिफरेंस हमेशा 180 डिग्री अगर आ रहा है, ध्यान से समझना, अगर इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तब तो ये करेक्ट, 180 डिग्री से ज्यादा एक मिनट भी ज्यादा हो रहा है तो वो एरर है, या एक मिनट भी कम हो रहा है तो उसे एरर बोला जाता है। तो वही चीज हमें फाइंड आउट करना है, ये कैल्सियम मुझे दे दो ताकि मैं आप सभी को बता सकूं, ठीक है। आप सभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, 67 डिग्री ये ज्यादा बड़ा था, मैंने इसको लिख लो 247 डिग्री 30 मिनट माइनस 67 डिग्री 30 मिनट इक्वल कर रहा हूं तो 180 डिग्री आ रहा, मतलब यहां पर मेरा क्या है करेक्ट, यहां पर कोई एरर नहीं है, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर कहीं एरर नहीं है, ठीक है। दूसरा इन दोनों में ये बड़ा इसको ले लेते हैं 307 डिग्री माइनस 126 डिग्री, ये जब मैंने माइनस किया तो 181 आ रहा है, 181 डिग्री, मतलब एक डिग्री का एरर है इसमें, कहां पे है वो भी मैं बताऊं, इन दोनों में ये बड़ा ये छोटा है इसमें से माइनस कर देते हैं, 225 डिग्री है, फिर 0 मिनट है, फिर माइनस करेंगे 43 डिग्री 30 मिनट, ये माइनस किया तो आया 181 डिग्री 30 मिनट, यहां पर भी है क्योंकि वो यदि 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसमें करो 307 डिग्री 30 मिनट माइनस 128 डिग्री 0 मिनट इक्वल कर रहे हैं तो 179 आ रहा है डिग्री 30 मिनट, यहां पर भी एरर है, ठीक है। अब यहां पर देखो इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर हमारा एरर नहीं है, एरर नहीं है मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, ये वाला में कोई भी कमी नहीं है। इसके साथ साथ और कहां कमी नहीं है, और कहां पे फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो इसके जस्ट बाद वाला फोर बियरिंग, इस लाइन के जस्ट बाद वाला फोर बियरिंग, इस लाइन के जस्ट बाद वाला फोर बियरिंग, इस लाइन के जस्ट बाद फोर बियरिंग कौन सा है, एक ये है, ये भी क्या होगा, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा। उसके साथ साथ एक और याद रखो, इस लाइन के जस्ट पहले वाला बैक बियरिंग, इस लाइन में जस्ट पहले कौन सा होगा, ये होगा, और इसका बैक बियरिंग कौन सा है, ये है, ये भी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा। एक बार स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, द लाइन ए बी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन and also free
from local attraction of core bearing of BC, core bearing of BC and back bearing of BA. ये जितने भी मैंने सर्कल बनाए, राउंड बनाए, बॉक्स बनाए, ये सब क्या है? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अब कमी किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, ठीक है। तो ये कमी है, जो पता है कि इसमें कमी है, क्योंकि यहां से मुझे पता चला कि देखो ए और बी मेरा आ रहा था फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, और ए से लिया हुआ जो भी रीडिंग ए से कौन सा लिया हुआ, एक तो ए बी लिया हुआ, ठीक है, ए से एक ए बी होगा और एक ए डी होगा, ए डी मतलब बैक बेरिंग, बी ए का बैक बेरिंग, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। बी का भी, बी का क्या होगा, एक तो ए बी होगा, बी से ए बैक बेरिंग, ये वाला करेक्ट, और बी से आगे सी बी सी वो भी कोर बेरिंग करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट में जो भी रीडिंग लिया वो करेक्ट है। कैसे पता चला? इन दोनों से हमें पता चला, इनका डिफरेंस आ रहा था 180। अब बात हो रही है कि जो इनकरेक्ट है उनको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए यहां से शुरुआत करेंगे। ये करेक्ट है मेरा, जहां से करेक्ट है वहां से लेके शुरुआत करेंगे। ये करेक्ट है तो यहां पर लिखोगे करेक्ट कोर बियरिंग ऑफ बीसी। क्या है कोर बियरिंग ऑफ बीसी? 126 डिग्री है, 126 डिग्री 0 मिनट, ये मेरा करेक्ट है, यहां से शुरुआत। अब ये जो करेक्ट होता है, ध्यान से समझना, करेक्ट होता है तो करेक्ट बैक बियरिंग हम आराम से निकाल लेते हैं, ये सब चीजें सीखे हो। बैक बियरिंग ऑफ बीसी, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ बीसी, कोर बियरिंग से बी बैक बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? अगर 180 डिग्री से वैल्यू कम है तो 180 डिग्री ऐड कर देंगे, 180 डिग्री से अगर ज्यादा है तो 180 डिग्री माइनस कर देंगे। तो ये 180 डिग्री से क्या है, ये 180 डिग्री से क्या है, कम है, इसको 180 डिग्री ऐड कर दोगे आराम से, 126 डिग्री 0 मिनट प्लस 180 डिग्री 0 मिनट, कितना वैल्यू आ रहा है फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। 306 डिग्री 0 मिनट आ रहा, ये मेरा करेक्ट मिल गया, 306 ये करेक्ट मुझे मिल गया। अब यहां पर चेक करो कि दिया कितना है, ये मैंने फाइंड आउट किया करेक्ट, लेकिन यहां पर कितना है, 307 डिग्री है, तो यहां से मुझे लोकल अट्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? लोकल अट्रैक्शन LA मिलेगा, एरर मिलेगा। कितना एरर है? तो करेक्ट माइनस इनकरेक्ट करना, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट याद कर लेना, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट। तो यहां पर करेक्ट बियरिंग ऑफ बीसी माइनस इनकरेक्ट ऑफ बीसी, ये फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, करेक्ट बियरिंग ऑफ बीसी, सीबी लिख देगा तो गलत हो जाएगा, मैं लिख देता हूं करेक्ट बियरिंग ऑफ बीसी, यहां पे इनकरेक्ट है आप लिख लेना, ठीक है, इनकरेक्ट ऑफ बीसी फुल फॉर्म आप लिख लेना, पूरा लिखने नहीं जाऊंगा। तो करेक्ट क्या है? 306 डिग्री 0 मिनट। इनकरेक्ट क्या है? 307, तो इनकरेक्ट 307 डिग्री 0 मिनट। माइनस कर रहा हूं तो क्या है? माइनस 1 डिग्री 0 मिनट आ रहा है, माइनस 1 डिग्री 0 मिनट, ये क्या है? एरर समझ में, वो एरर हमने यहां पर, अब कितना आ गया? 306 आ गया। अब यहां पर शुरुआत करेंगे, तो ये जो लोकल अट्रैक्शन आता है तो यहां पर सीबी का कोर बियरिंग करेक्ट करना है, तो करेक्ट करेक्ट कोर बियरिंग ऑफ सीबी क्या होगा? तो जो दा था, क्या है यहां पे 225, इनकरेक्ट है, यहां पे लिखोगे कोर बियरिंग ऑफ बीसी प्लस माइनस एल ए, लोकल अट्रैक्शन होता है, जो भी कोर बियरिंग ऑफ बीसी दिया है, क्या दिया है, गिवन कोर बियरिंग, गिवन लिख सकते हो यहां पर, गिवन कोर बियरिंग ऑफ बीसी प्लस माइनस लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन देखो, कोर बियरिंग मिलेगा तो हम प्लस माइनस करके बैक बियरिंग अपने आप बना लेंगे, वहां से मुझे इसकी और उसमें कंपेयर करेंगे तो लोकल अट्रैक्शन मिलेगा, वो लोकल अट्रैक्शन आगे वाले कोर बियरिंग में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, अगर माइनस है माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। तो ना, तो यहां पर आप देखो कि कोर बियरिंग ऑफ बीसी कितना था, 225 डिग्री 0 मिनट, 225 डिग्री 0 मिनट है, और ये क्या है, माइनस 1 डिग्री 0 मिनट है, माइनस कर दो तो 224 डिग्री
करना पड़ेगा। कितना आएगा यहाँ स्पीड पी, 64 आ जाएगा, 64 डिग्री आ गया, 64 डिग्री आ गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, 64 डिग्री आ गया तो ये तो मेरा आ गया बैक बेयरिंग, क्या है बैक बेयरिंग आ गया। उसके बाद मुझे अगर कैलकुलेट यहाँ पर देखो एरर क्या मिलेगा, यहाँ पर कितना है 43 डिग्री 30 मिनट है, कितना मिल रहा है गलत का जगह 30 मिनट आया लोकल एट्रैक्शन कहां पर इसके लिए सीडी के, ये तो करेक्ट मिल गया ना मुझे, कितना 44 डिग्री है यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर जाकर यहां का करेक्ट करना, करेक्ट करने के लिए क्या मैंने बताया, करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ डीए, करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ डीए लाइन क्या होगा, जितना भी दिया है कितना दिया है 307 डिग्री 30 मिनट में हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे या प्लस करेंगे, लोकल अट्रैक्शन प्लस करेंगे क्योंकि प्लस में दिया है यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन तो प्लस ही करेंगे, ठीक है। माइनस में दिया तो माइनस करेंगे, प्लस में आया तो प्लस करेंगे। ध्यान रखना कि आप जो करना होता है करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, ये भूलना मत, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट। उससे जो वैल्यू प्लस में आ गया प्लस में लिखना है, माइनस आ रही तो माइनस में लिखना है, समझ में आया। तो यहाँ पर प्लस में मैंने लिख दिया 307 डिग्री 30 मिनट प्लस 0 डिग्री 30 मिनट, ऐड कर देंगे तो 308 डिग्री हो जाएगा, आ गया 308 डिग्री। ये सारा करेक्ट हो, ये भी करेक्ट हो गया। आप चेक भी कर सकते हो एक थोड़ा सा आगे बढ़ के कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ गया तो मेरा ओके हो गया, नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं कुछ और अलग मेथड लगाना पड़ेगा, समझ में। तो चेक कर लेते हैं मेरा अगर करेक्ट फोर बेयरिंग अगर ये आया तो करेक्ट टाइम बेयरिंग क्या आएगा, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ डी ए क्या आना चाहिए, ये 180 डिग्री से ज्यादा है तो 180 डिग्री क्या करेंगे माइनस करेंगे 308 डिग्री माइनस 180 डिग्री, माइनस करके देखो, माइनस करके देखो इतना आ रहा है 128 आ रहा है, 308 है ना, 128 आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, आ रहा है देखो 10 कितना आ रहा है 128 ये आ रहा है, ओके चेक, ओके यहाँ पर लिखना चेक, यहाँ पर लिखना ओके, आ गया ना। ये तो पहले मैंने बता दिया था कि ये करेक्ट है और मैं लास्ट में लेकर आया तो आप ही हैं, तो यहाँ कहीं एरर नहीं है ना, आ गया ना, तो एरर नहीं है। ये तो था सिर्फ करेक्ट करने के लिए, करेक्ट द बियरिंग ऑफ लोकल अट्रैक्शन, करेक्ट द बियरिंग ऑफ लोकल अट्रैक्शन, इसमें जो अट्रैक्शन था जो एरर था जो खामी थी वो हमने निकाल दिया, करेक्ट क्या गया वो मैं यहां पर लिख दिया, क्या लिखेंगे करेक्ट बियरिंग, करेक्ट बियरिंग क्या है, लाइन पहला दूसरा फोर बियरिंग तीसरा बैक बियरिंग, मजा आ रहा है, ए बी बी सी सी डी डी ए, ओके ए बी क्या है पहले से करेक्ट था तो वही लिख देंगे 67 डिग्री 30 मिनट 247 डिग्री 30 मिनट यहां पर 126 डिग्री 0 मिनट और आया कितना है 306 डिग्री 306 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सीडी, सीडी कितना है करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ सीडी कितना है 224 डिग्री 224 डिग्री 0 मिनट, इसकी बैक बेयरिंग कितनी आई 44 डिग्री, क्लियर। उसके बाद से उसके बाद नेक्स्ट करेक्ट फोर बेयरिंग डीए का कितना आया 308 डिग्री, उसके बाद से बैक बेयरिंग ये तो करेक्ट आई 128 डिग्री, ओके ये करेक्ट मुझे मिल गया, ओके क्लियर। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, एंड कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल, अभी ये करेक्ट है ना, अभी ये सब्ट्रैक्ट करके देखो डिफरेंस करके देखो सब जगह 180 डिग्री आएगा, सब जगह 180 डिग्री आएगा 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 आएगा, ठीक है क्या आएगा 180 डिग्री आएगा सबका डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे एरर क्या हुआ,
रिमूव हो गया, यहाँ पर जो लोकल अट्रैक्शन था क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, कैसे निकला, सॉल्व करने से निकला। ठीक है, कैलकुलेट किए तो निकला, इतना पर पॉइंट समझ में। इसके बाद इसी पेज पे इंक्लूडेड एंगल फाइंड करना है कि एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल डी कितना होगा। ये इतना अगर नोट डाउन, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, और इसके बेस पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा इसका इंटरनल एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। बस यही तो है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इतने में हो जाएगा मेरे को, इतने में हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, पूरा नोट डाउन करो, उसके आगे ये लिखने के बाद क्या करना होगा। वीडियो पॉज नहीं करने आएगा तो क्या करोगे, लाइन पॉज करोगे। चलिए क्या करेंगे, एंगल ए इंक्लूडेड एंगल फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है इंटरनल एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब इंटरनल एंगल। क्या होता है इंटरनल एंगल, एंगल ए के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिगर इसका बनाना पड़ेगा कैसा बन रहा है। ठीक है, ए बी ये पर बनाओ तो 67 डिग्री, ये ए है 67, ये भी जाएगा नॉर्थ के साथ 67, बी पे यहां है बी, बी से कितना जा रहा है 126 डिग्री, यहां पे जाएगा ये आएगा 126, ये सी है, सी से डी 224 236 यहां से आएगा डी, और ये सी ये हो गया। कैसा गया, कैसा गया, कैसा गया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गया, कैसा गया है क्लॉक वाइज डायरेक्शन से लिख लेना, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, अभी एंगल ए क्लॉकवाइज के लिए क्या मैंने बताया था, एंगल ए फाइंड करना है तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, बैक बेस माइनस फोर बेयरिंग, क्लॉकवाइज के लिए बैक बेस माइनस फोर बेयरिंग। अगर वही एंटी क्लॉकवाइज होता तो फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग। ध्यान रखना होगा एंगल ए के लिए बात कर रहा हूं, एंगल ए के लिए इंटरनल एंगल, आई का मतलब इंटरनल एंगल क्या है, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। ए के लिए देखो, ए यहां पे है, ए यहां पे, ए के लिए ये फोर बेयरिंग कंसीडर करेंगे, ए के लिए बैक बेयरिंग, तो बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। बैक बेयरिंग कौन सा, ए के लिए कोई चीज है, ए का ये पहला है तो फोर बेयरिंग है, ए के लिए बैक बेयरिंग ये वाला है, ये दो जगह पे, तो ये माइनस की देखो, ये माइनस की सही बैठ रहा बड़ा पहले है 128 डिग्री माइनस जीरो मिनट भी ले लेते हैं, यहाँ पे कितना 67 डिग्री 30 मिनट, माइनस करो कितना आ रहा, फटाफट माइनस करो कितना आ रहा, वैल्यू बताओ 128 डिग्री 0 मिनट, 67 डिग्री 30 मिनट, जल्दी ड्रॉ फास्ट ऑपरेट, आपका फास्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखो गेयर की आपका ये जो फोर बेयरिंग है वो बड़ी वैल्यू आ रही है,
और बैक डी एन ए कितनी है 44 डिग्री। कितनी वैल्यू आ जा रही है 308 माइनस 44 डिग्री 264 डिग्री। ओके 264 डिग्री इतना है। ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल है, आपको इंटरनल एंगल चाहिए। तो इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा एंगल डी के लिए 360 डिग्री माइनस जो आया है 264 डिग्री। माइनस करो कितना आया? माइनस 96 डिग्री आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद चेक करेंगे करेक्ट है या नहीं है, हम ना करेक्ट है या नहीं है। तो आपको पता है पहले चेक करने के लिए क्या करते हैं, चेक करने के लिए 2n माइनस 4 इंटू 90 और ये किसके बराबर होना चाहिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। यहाँ देखो 2n की वैल्यू कितनी है, 4 है, कहाँ साइड है माइनस 4 इंटू 90, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ रहा है 2 फोर जाए और 8 माइनस 4 4 और 4 रहने 360, ये आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो क्या है एंगल ए क्या है 60 डिग्री, ऐड करते जाओ मतलब 30 मिनट 60 डिग्री 30 मिनट प्लस ये वाला 121 डिग्री 30 मिनट 121 डिग्री 30 मिनट प्लस 82 डिग्री 82 डिग्री प्लस 96 डिग्री। इन सबको ऐड करके देखो आ रहा है क्या 360 डिग्री आ गया। जब ये आ गया तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है बराबर आ गया। ओके ये पूरा का पूरा चार बॉक्स का होगा। ठीक है,